आईसीएसई बोर्ड ने भी माना सीबीएसई बोर्ड का फैसला। सीबीएसई बोर्ड ने 1 जुलाई से होने वाली पेंडिंग परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि अगर स्थितियां सामान्य होती है तो क्लास 12 की परीक्षाएं आयोजित होंगी, लेकिन इन्हें देना कंपलसरी नहीं है। स्टूडेंट्स अपने मुताबिक फैसला ले सकते हैं। केरल बोर्ड का रिजल्ट जुलाई में होगा जारी। केरल में 12वीं कक्षा का रिजल्ट बोर्ड की तरफ से 10 जुलाई को जारी किया जाएगा। यह फैसला शिक्षा मंत्री श्री रविंद्रनाथ की बैठक के बाद लिया गया है। इस बात की जानकारी बोर्ड ने दी है कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओपन बुक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किए जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बता दें कि यह परीक्षाएं 1 जुलाई 2020 से निर्धारित है, जबकि आखिरी परीक्षा 27 जुलाई 2020 को आयोजित की जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा पीजी परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020, नहीं मिलेंगे तत्काल अंक पत्र, नौकरी के लिए डिजिटल मार्कशीट होगी मान्य। यूपी बोर्ड की ओर से छात्रों को तत्काल मार्कशीट जारी नहीं की जाएगी। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना संकट को देखते हुए लिया है। पहले यूपी बोर्ड रिजल्ट के जारी होने के 15 दिन के अंदर मार्कशीट स्कूलों को भेज देता था, लेकिन इस साल इस प्रक्रिया में सरकार ने रोक लगा दी है। आईआईटी बॉम्बे में ऑनलाइन आयोजित होगा नए वर्ष का अगला सेमेस्टर। देश में कोरोना वायरस को नज़र में रखते हुए पहली बार आईआईटी बॉम्बे में नए वर्ष के अगले सेमेस्टर को पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला कोविड-19 से विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए लिया गया। भारतीय तकनीकी संस्थान बॉम्बे की सीनेट ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए नए वर्ष के पहले सत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है। एमपी 10वीं कक्षा के रिजल्ट में हो सकता है अहम बदलाव। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं कक्षा के नतीजे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 3 साल पहले वाले नियम लागू करके 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योजना किए गए 4 विषयों का आधार बनाया जा सकता है। दरअसल लॉकडाउन की घोषणा होने से 1 विषय का पेपर नहीं हो सका था, जिसमें हिंदी विशिष्ट और उर्दू विशिष्ट की परीक्षा नहीं हो सकी। ऐसे में बेस्ट ऑफ 4 के आधार का नियम इस बार के रिजल्ट में लागू किया जाएगा। सीटीईटी एडमिट कार्ड न मिलने से अभ्यर्थी परेशान। सीबीएसई ने जनवरी में ही सीटीईटी की परीक्षा 5 जुलाई को घोषित कर दी थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई सूचना नहीं मिली और न ही अब तक अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र मिला, जिसके कारण सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं। इसमें यूपी की शिक्षक भर्ती में मान्य होने के कारण बड़ी संख्या में प्रयागराज से प्रतियोगी छात्र फॉर्म भर चुके हैं। इग्नू ने लॉन्च किया पॉडकास्ट, ऑब्जेक्टिव विषयों पर बोलेंगे एक्सपर्ट्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पहली बार लॉन्च किया पॉडकास्ट। इसके चलते इग्नू शिक्षा के अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव विषयों पर विशेषज्ञों से बातचीत को पॉडकास्ट किया जाएगा, जिसका लाभ देश विदेश में इग्नू के सभी छात्र ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार इसका उद्घाटन मंगलवार को इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने किया। कर्नाटका सोशल डिस्टेंसिंग के साथ SSLC की परीक्षा हुई शुरू। करीब 8.5 लाख छात्र दे रहे हैं एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कर्नाटक ने SSLC की परीक्षा आयोजित की। कोरोना काल में परीक्षा न रखने की अपील करते हुए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में करीब 8.5 लाख बच्चों की 10वीं की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा हुई नहीं, लेकिन रांची विश्वविद्यालय ने किया एडमिशन फॉर्म जारी। छात्र संगठन ने काटा बवाल। रांची विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी कुलपति के पास पहुंचे और पूरे मामले को लेकर कुलपति के कार्यालय में जमकर बवाल काटा। पूरे विवाद पर कुलपति रमेश कुमार पांडे ने बताया कि जिन लोगों को भी फॉर्म दिया गया है उनके पैसे वापस होंगे। बताया कि फिलहाल कोरोना बंदी की वजह से परीक्षाएं नहीं हुई, जिस कारण किसी भी तरह के नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल नहीं होगी।